नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। रिलायंस को राहत, 4G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में जियो के खिलाफ याचिका खारिज। उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उसे 4G स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति AK सीकरी और न्यायमूर्ति R भानुमति की खंडपीठ ने स्पेक्ट्रम आवंटन की CBI से जांच कराने की गैर सरकारी CPIL की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि आवंटन में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले CPIL की याचिका पर केंद्र सरकार, ट्राई और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता ने 4G स्पेक्ट्रम पर वॉयस सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति देने के सरकार के फैसले को भी चुनौती दी थी। इंदौर में पटाखा कारखाने में आग, एक की मौत, 4 झुलसे। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में शुक्रवार सुबह एक पटाखा कारखाने में आग लगने से 2 महिलाओं समेत 5 लोग झुलस गए, जिनमें से एक की मौत हो गई। घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। राऊ थाना क्षेत्र स्थित इस कारखाने में लगी आग के बाद मौके पर पहुंचे दमकल उप निरीक्षक अमर सिंह ने बताया कि सुबह लगभग 10:45 बजे कंट्रोल रूम में आग लगने की सूचना मिली। कारखाने से लगे आलू, चिप्स, प्याज और भूसे के गोदाम के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया था। नव संवत्सर पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। चैत्र नव संवत्सर और चेटी चंड पर्व पर शुक्रवार को देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही और घर घर में भी घट स्थापना कर देवी की पूजा अर्चना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष मनाए जाने पर देशवासियों को बधाई दी और कामना की कि नव वर्ष शांति, समृद्धि और सद्भाव लाए। दूसरी ओर मोदी ने असम में दूसरे चरण के मतदान से पूर्व अपनी चुनाव प्रचार मुहिम की शुरुआत करने से पहले नीलाचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी के ऐतिहासिक मंदिर में पूजा अर्चना की। मालेगांव विस्फोट मामले में गवाहों के बयान गायब। वर्ष 2008 के मालेगांव बम धमाका मामले में कुछ गवाहों के इकबालिया बयान यहां की विशेष मकोका अदालत से गायब बताए जा रहे हैं, जिसे अधिकारियों ने दस्तावेज की तलाश शुरू कर दी है। यह मुद्दा इस हफ्ते की शुरुआत में तब सामने आया जब विशेष अदालत के कर्मियों ने पूर्व विशेष लोक अभियोजक रोहिणी सैलियन से संपर्क कर जानना चाहा कि क्या इस मामले के कुछ गवाहों के इकबालिया बयानों वाले दस्तावेज आपके पास हैं। जिन गवाहों के बयान गायब बताए जा रहे हैं उनमें रामजी कल सांगरा के करीबी सहयोगी का भी बयान शामिल है, जिसने एक मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया था कि महाराष्ट्र के मालेगांव में विस्फोटक रखने के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी। गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को हुए 2 कम तीव्रता वाले बम धमाकों में 7 लोग मारे गए थे। H1B वीजा के लिए ज्यादातर आवेदन भारत से। अमेरिकी सरकार को H1B वीजा के लिए करीब 2,50,000 आवेदन मिले हैं और इनमें से ज्यादातर या तो भारतीय कंपनियों की ओर से या फिर उन कंपनियों से हैं जिनका भारत में कारोबार अधिक है। अमेरिकी नागरिकता और आवर्जन सेवा प्रभाग ने गुरुवार को कहा कि संसद द्वारा तय वीजा सीमा पूरी हो गई है और इनमें 20,000 ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने अमेरिका में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषय में उच्चतर शिक्षा हासिल की है। USCIS ने हालांकि 1 अप्रैल से प्राप्त H1B वीजा आवेदनों की पूरी संख्या नहीं बताई। इस साल 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2017 के लिए इस लोकप्रिय वीजा के लिए आवेदन की अवधि 1 अप्रैल से शुरू हुई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।